नारनौल में नांगल चौधरी थाना के अंतर्गत आने वाले गांव बुहारका में एक महिला की दहेज हत्या का मामला सामने आया है। इस बारे में मृतका महिला के पिता के बयान पर पुलिस ने मृतका के पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। दूसरी ओर महिला के परिजनों द्वारा अस्पताल की मोर्चरी से शव नहीं उठाया गया, जिसके बाद अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक महिला के पिता रेवाड़ी जिला के गांव डूंगरवास निवासी नारायण हरि ने बताया कि उसकी लड़की प्रिया की शादी वर्ष 2021 में बुंगारका निवासी नितेश के साथ हुई थी। शादी के समय उसने करीब 8 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके अलावा घरेलू सामान भी दिया गया था, मगर शादी के बाद से ही महिला का पति नितेश, सास अनिता, ससुर सुभाष, जेठ रुपेश, जेठानी पूजा, देवर भुनेश और देवरानी पूजा उसकी पुत्री से 2 लाख रुपए लाने तथा बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। उसकी पुत्री के मना करने पर उसे दहेज के लिए सभी मिलकर मारते थे। शादी के बाद से यह लोग कई बार दहेज की मांग करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का देवर पुलिस में लगा हुआ है तथा कहता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब गत दिवस उसकी पुत्री को दहेज के लिए सभी ने दबाव बनाया तथा सभी लोगों द्वारा उसकी पुत्री के साथ मारपीट की गई। उसके बाद उन्होंने उनकी पुत्री को फांसी का फंदा लगाकर मार दिया। इसकी जानकारी उन्हें उनकी पुत्री की देवरानी पूजा ने दी। जब वे वहां पर पहुंचे तो देखा कि उनकी लड़की को आरोपियों ने जमीन पर लेटा रखा था, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर नारनौल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुँचाया। मृतक महिला का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद परिजनों ने उसका शव नहीं उठाया। परिजनों का कहना था कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट नहीं दे रहा, जबकि पुलिस दबाव बना रही है कि मोर्चरी से शव को उठा लिया जाए। इसलिए जब तक उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती, वे शव को नहीं उठाएंगे। क्या नाम है जी? ममता। आप तो खड़ी है, मृतक महिला की माँ है। क्या मामला हुआ है? मामला दहेज का। सर मैं उनके पहले 2 गाड़ी आई हुई है लड़के के साथ दिया, मैंने उनको को दहेज नहीं दिया। उनको बार बार दहेज की मांग करता था। वो कहता था मेरी लड़की से आखिर तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है, टूटी फूटे सामान दिया है और तू भी हमेशा बीमार रहती है, अगर तू मर जाना तो मैं तेरी छोटी बहन को ले आऊँगा। उसको था कि ये गरीब है, एक को मार दूंगा तो दूसरी को भी ले आऊँगा। आप कहाँ के रहने वाले? मैं दहकोरा की, भादरगढ़ के दौरे की। आपकी बेटी कहाँ पे आई है? भुंगार का। क्या नाम? प्रिया। घर मैंने लड़की की शादी 28/4/2021 को की, 3 साल पहले भुंगार का की थी। कहाँ से? डूंगरवास गांव से, जिला रेवाड़ी। अब क्या मामला हुआ है? मामला कुछ भी नहीं है, वो लड़की को परेशान कर रखा, लड़की अपने आप घुटती रही है बीच बीच में। और ये मेरे पास तो फ़ोन आया मेरे भतीजे का, कहने लगा कि ये चाचा ये सोनिया जो प्रिया मेरी लड़की ये बीमार है, चल वहाँ चलना। मैंने भाई तुम चले जाओ, मैं क्या करूँगा जाके, ना कहा चलना पड़ेगा। तो मैं गया उनके साथ, तो पहले तो अस्पताल गए तो अस्पताल वाले कुछ नहीं बोले। यहाँ से फिर हम उसके घर गए तो हमने पूछा लड़की कहाँ, तो बताई नहीं काफ़ी देर तक। फिर उन्होंने बताया कि लड़की तो यहाँ है, इधर जो भैंस जो बांधते हैं ना, जो ठान होता है, वो ठान में रेत में गिर रखी है लड़की, उधर वो खूनम खून हो रही है और ये लड़की मरी हुई पाई। बेटी को, आपकी बेटी को किस चीज़ से मारा गया? मेरे हिसाब से मेरी लड़की को ये झगड़ेबाजी में सभी लोगों ने मारा। अच्छी तरह लड़की ने भागने की कोशिश की है और जो कुंडल है, एक कुंडल उसका गिर भी पड़ा है और एक कान में अड़ जा रहा है। फिर लड़की को ऐसा मारा है कि वो एकदम बेहोश पड़ गई है, फिर उसको ख़त्म ही कर दिया गया है। मुँह से भी खून आ रखा है, मुँह से भी खून ज़्यादा आ रहा है उसका। आपने पुलिस में शिकायत दे दी? हमने पुलिस में शिकायत दे दी, सब जो काम करना कर दिया। अब ये पोस्टमार्टम हो चुका है, वो डॉक्टर पोस्टमार्टम वाला गायब है, वो बताई नहीं है, रिपोर्टिंग हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही इधर। अब देखो कब तक रहती हैं, और डेट बोर्ड यहीं पर है, हम जाने नहीं देंगे जब तक हमें कोई इसका जवाब नहीं मिलेगा। हमें तो यही न्याय चाहिए और जो जितने भी हैं हमें सलाखों के पीछे चाहिए, ये मेरे को न्याय चाहिए। अब बार बार दहेज मांगते हैं, बताओ मैं कहाँ से दूँ? जो मांगते थे मैं देता रहा, बीच बीच में देता रहा, मेरे पे जो पूर्ति थी करता रहा। अब मेरे पास जब पूर्ति नहीं हुई तो इन्होंने मार डाला। गाड़ी की डिमांड करते थे? हाँ, सब कुछ करते थे, वो जो कुछ करता था। हाँ, मामला ये है जी, अब यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए आ चुके थे, डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए अंदर गया था, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर दिया, उसके बाद डॉक्टर का पता नहीं कहाँ है। हम डॉक्टर के कैबिन में गए, वहाँ पे हमको कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं मिला।
उसके बाद हमने पुलिस अफसरों से बात की है, वो कह रहे हैं डॉक्टर रिपोर्ट देगा। वो डॉक्टर का हमें पता नहीं है, पुलिस प्रशासन हम पे दबाव दे रहा है, अब डेड बॉडी को अपनी गाड़ी बुलाओ और रखो और ले जाओ। हम बिना किसी मौखिक या बिना किसी कार्रवाई या बिना किसी सबूत के कैसे डेड बॉडी को हम उठा ले जाएं? हमें जब तक ये नहीं पता कि लड़की के साथ किया क्या गया है। पुलिस ने अपनी शिकायत दी है? शिकायत दी पुलिस में। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही, पुलिस तो ये बोल रही है डेड बॉडी को अपनी गाड़ी बुलाओ, डेड बॉडी को ले जाओ। हमारे पास कोई भी किसी प्रकार की प्राइमरी कोई भी मौखिक रिपोर्ट नहीं आई है कि आपकी लड़की के साथ क्या किया गया है, हमें बताओ तो सही। हम जभी तो बॉडी को यहाँ से एक्सपेक्ट करके लेके जाएं आगे। अगर हमें यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे जी। हमें रिपोर्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कोई बताया नहीं गया है, पुलिस प्रशासन हम पे दबाव दे रहा है जी। अब बॉडी को ले जाओ यहाँ से। कल हमें सूचना मिली थी 10 बजे करीब दिन में, प्रिया वाइफ ऑफ नितेश बुंगार का गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, प्रिया के परिवार वालों को टेलीफोन से सूचना दी गई थी। सूचना देने के बाद ये शाम को करीब 5 बजे पहुंचे थे गांव में। पहुंचने के बाद इनको कंप्लेंट देने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने कहा हमारा वकील आ रहा है, कंप्लेंट लिख कर देगा। उसके बाद 7:30 बजे करीब इन्होंने कंप्लेंट दे दी। कंप्लेंट के आधार पर मुकदमा दर्ज हमने कर दिया गया। किस सेक्शन में मुकदमा दर्ज किया? 304(b)(34)(IP) से। और गिरफ्तारी अभी कोई नहीं हुई, पोस्टमार्टम अब हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी यहाँ रखी थी, पोस्टमार्टम करवाना पहले ज़रूरी था।